Dear friends, subscribe our YouTube channel Sport Science and press the bell icon to watch latest videos related to sport science. Dear viewers, today we will discuss about another interesting topic related to field events, that is throws. अच्छा जी आज हम बात करेंगे कि throws जो है field events में उनकी कितनी types होती हैं और उनका जो है क्या role है athletics के अंदर उसके बारे में discuss करेंगे. हमारा topic है throws. Throws जो है basically throws की जो है चार types होती हैं. उन चारों को जो है हम अलग अलग से थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, उनके नाम क्या होते हैं और उनको खेला कैसे जाता है. सबसे पहले हमारे पास जो थ्रो की टाइप आती है वो आती है कि हम बात करेंगे डिस्कस थ्रो के बारे में. डिस्कस थ्रो क्या होती है, एक थाली टाइप, एक प्लेट टाइप आपके पास होती है चीज, ठीक है, जिसका एक सर्टन वेट होता है. उसको आपने जो है एक सर्टन मेथड के साथ जो है एथलीट जो होता है एक सर्कल के अंदर रहते हुए उसको जो है फेंकता है, जिसे हम क्या कहते हैं डिस्कस थ्रो. ठीक है जी. उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है शॉर्ट पुट. शॉर्ट पुट बेसिकली कहते हैं गोले को, ठीक है, एक मटेरियल का धातु का बना हुआ गोला होता है जिसका एक सर्टन वेट होता है. उस गोले को जो है एक एथलीट जो है अपने जो है एक सर्टन मेथड के साथ उस गोले को जो एक सर्टन लिमिट के अंदर रहते हुए उसको फेंकता है, जिसे हम क्या कहते हैं शॉट को. ठीक है जी. थर्ड वन हमारे पास आता है हैमर थ्रो. एंड लास्ट वन हमारे पास आता है जेवलिन थ्रो. ठीक है जी. अब दो चीजों को मैंने आपको बता दिया, डिस्कस थ्रो के बारे में, शॉर्ट पुट के बारे में बता दिया. अब हम बात करेंगे हैमर थ्रो के बारे में. हैमर बेसिकली जो है शॉर्ट पुट से ही रिलेट करता है, लेकिन उसमें ये होता है जो होता है बना होता है गोला जो बना होता है लोहे का, उसको क्या है एक जंजीर जिसे आप कहते हैं उसके साथ जो है अटैच किया होता है, जिसका भी एक सर्टन वेट होता है, एक सर्टन लेंथ होती है. उसको जो है एथलीट जो है उसको एक सर्टन मेथड के साथ घुमा के जो है उसको फेंकता है. उसके एरिया की भी डिफरेंट मेजरमेंट्स होती हैं. उसके बाद बात करते हैं जैवलिन थ्रो. जैवलिन बेसिकली हम कहते हैं नेजे को, ठीक है जी. एक स्टिक टाइप के आपके पास नेजा होता है, उसके फ्रंट के ऊपर जो है एक धातु का मटेरियल लगा होता है. आप उसको एक सर्टन एरिया के अंदर देखते हुए जो है उसको फेंकते हैं, जिसके साथ जो है आपको उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. अगर आप उसके रूल्स को फॉलो करते हुए उसको सर्टन एरिया के अंदर देखते हुए उसको थ्रो करते हैं तो आपको जो है उसका पॉइंट जो है मिलता है. ठीक है जी. अब ये जो है थ्रोस की चार टाइप्स हैं, इन सभी चारों टाइप्स को हम जो है इनकी जो मेजरमेंट्स होती हैं सेक्टर मेजरमेंट्स या फील्ड मेजरमेंट्स उनको डिस्कस करेंगे और जो चीज़ इसमें इस्तेमाल हो रही है. फॉर एग्जांपल थ्रोस के अंदर जो है डिस्कस थ्रो पहले नंबर पे हमारे पास है. डिस्कस थ्रो के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें होंगी, उसकी डिस्कस का वेट क्या होगा, ठीक है जी, उसका जो है डायमीटर क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये, तो काइंडली ये लाजमी देखिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें ताकि मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहें. तब तक के लिए अल्लाह.